कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। सही नहीं हो रहा है, हमें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से। हम नहीं डरते मुसलमानों से, हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे और देवी जी का पूरी रात कुर्बान करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं दी गंजा। दोस्तों, देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है ये देखा जा सकता है। तमाम तस्वीरें और वीडियोस निकल कर सामने आ रही हैं, जहां पर ये साफ तौर पर वीडियोस, तस्वीरें और खबरें ये दर्शा रही हैं कि मुसलमानों के पाक रमज़ान के इस महीने में किस तरीके की खलल डालने की कोशिश की जा रही है। तमाम जगहों पर हिंसा भड़काना, जिस तरीके से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई, मध्य प्रदेश या राजस्थान में जिस तरीके का माहौल रहा, और यहाँ तक कि तमाम राज्यों से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो महज एक ही समुदाय को टारगेट कर रही हैं। मुसलमानों को किस हद तक इस रमजान के महीने में टारगेट किया गया, ये किसी से छुपाए नहीं छुपा है। मैं आपको बता दूं कि एक डर और एक आशंका जताई जा रही थी कि अब तक तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन ईद और चांद रात पर भी ये नफरती लोग कोई प्लान कर सकते हैं, कोई चक्रव्यूह रच सकते हैं, मुसलमानों की ईद को खराब करने की, उनके त्योहार को खराब करने की, ईद में खलल डालने की कोशिश नफरती लोग बाखूबी कर सकते हैं। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में ये डर सही साबित होता नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ का एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेरठ के हशीमपुरा का वीडियो है, जहां पर एक दरगाह को खुलेआम धमकी दी जाती है बीजेपी नेताओं के द्वारा और तमाम नफरती लोगों के द्वारा। जब पुलिस या दरगाह जो है मना करता है कि अनुमति नहीं दी जाती है किसी भी ऐसे कार्यक्रम की जो कि दंगा भड़का सकती है, उसके बाद बीजेपी नेता और तमाम नफरती लोग किस तरीके से नजर आते हैं, गुंडई दिखाते हुए, धमकाते हुए, इस वीडियो में आप देख पाएंगे, जो अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरठ के हशीमपुरा में एक दरगाह ने जब जागरण की अनुमति नहीं दी, मेरठ का मामला है ये, मेरठ में जब जागरण की अनुमति नहीं दी, चांद रात की, रात को जागरण की जब अनुमति नहीं मिलती है, तो बीजेपी नेता किस तरीके से दरगाह को धमकाते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं आप जो कर पाओ वो कर लो, लेकिन हम जागरण करेंगे बिना अनुमति के करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जागरण करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपकी मंशा कैसी है ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आपकी मंशा उस चीज के पीछे कैसी है। क्योंकि चांद रात मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी है और जिस इलाके में वो जागरण की अनुमति मांग रहे हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है। आप सोच सकते हैं कि अगर उस इलाके में जागरण रात में होता है तो दंगा भड़क सकता है, जिसको लेकर मेरठ के दरगाह ने अनुमति नहीं दी, लेकिन उसके बदले उन्हें धमकी मिलती है, खुलेआम दरगाह को बीजेपी नेता धमकी देते नजर आते हैं। एक नजर इस वीडियो पर डालिए और देखिए मेरठ के दरगाह को कैसे बीजेपी नेता और तमाम नफरती लोग, हिंदू संगठन के लोग धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। एक नजर इस वीडियो पर। कानून के मुताबिक करने आया हूँ और बिना अनुमति यहाँ नहीं होने दूंगा। और बताइए आप, बिना अनुमति जागरण नहीं होने दूंगा यहाँ। चलिए, ये मुस्लिम माहौल, पूरा मुस्लिम है यहाँ, मुस्लिम है। एक मिनट सुनिए, डॉक्टर साहब अनुमति, आप सुनिए 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 सुनिए, आप मेरे पास सुनो, हमें आपसे कोई अनुमति नहीं दी। हाँ तो मल्ली, हम यहाँ जागरण 2 तारीख की रात में करने जा रहे हैं, आप करिए, आप बस करेंगे। मैंने आपसे कम मना, नहीं आपको बुलाया तो मान सम्मान करिए, आप हमारे कार्यकर्ता की हमारे सामने जो है कोई बात नहीं, मेरे सामने कोई बात नहीं, पंडित जी मैं आपके बुलाने से आया, मेरे आप बुलाने से आए हो ना, आपके बुलाने से मेरे, आप सुनिए मेरी बात, आपने कहा कि मैं होने नहीं दूंगा बिना अनुमति, मैं बिना अनुमति के करूंगा, बात करिए, मैं
कैसे रोक रोक लूँ अगर आपके बारे में बिना अनुमति? सुनिए मेरी बात, आप सुनो, आप वीडियो बनवा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ भाई यार, जागरण को 2 तारीख में करने जा रहा हूँ, और 2 तारीख की रात को करेंगे। और सुनिए, किसी के घर में अगर कोई औलाद पैदा होगी तो उसकी परमिशन पुलिस से चाहिए, नहीं देखा आपने, ये है बीजेपी नेता का रूप जो तमाम जगहों पर देखा जा चुका है। मेरठ से ही किस तरीके से संगीत सोम सेना ने हड़कंप मचाया हुआ है, एक देख सकते हैं कि एक डर का माहौल मेरठ में संगीत सोम सेना ने बनाया हुआ था, लेकिन उसके बाद अब ये बीजेपी नेता का एक नया वीडियो जारी मेरठ से ही हुआ है, जहां दरोगा को धमकी देते ये नेता और तमाम नफरती लोग नजर आ रहे हैं। आपने वीडियो में देखा ही होगा। मैं आपको बता दूं कि जाकिर अली त्यागी ने ये वीडियो ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अपलोड किया है, साथ साथ ट्वीट भी किया है। एक नजर इस ट्वीट पर डालिए और देखिए कि जाकिर अली त्यागी इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी देते हैं। एक नजर इस ट्वीट पर वो लिखते हैं, मेरठ के हशिमपुरा में बीजेपी नेताओं को जागरण करने की नहीं मिली अनुमति तो यूपी पुलिस के दरोगा को मिली धमकी। दरोगा ने कहा, चांद रात के दिन रोड पर जागरण और दंगा नहीं होने दूंगा। बीजेपी नेताओं ने कहा, कितना भी दम लगा लो, ले आओ फोर्स, जागरण तो होकर रहेगा, डीजीपी कृपया कार्रवाई। ये ट्वीट जाकिर अली त्यागी ने किया है, जो वीडियो भी शेयर किया है। वीडियो आपने देखा तो एक अंदाजा आपको लग गया होगा कि ईद पर क्या प्लान किया जा रहा है। दंगे भड़काने की पूरी कोशिश मेरठ में की जा रही है और सहारा एक बार फिर से भगवान का लिया जा रहा है। आपने देखा ही होगा कि तमाम जगह दंगे भड़के, कभी राम के नाम, कभी हनुमान के नाम, कभी अजान के नाम, कभी लाउडस्पीकर और अब जागरण। जागरण के नाम पर, जागरण की आड़ में किस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश जारी है और प्रूफ बतौर आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे। बीजेपी नेता की गर्मी, गुंडई और लव्स, मतलब पुलिस से भी बीजेपी नेता अब डर नहीं रहे हैं, अपना सिक्का चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपने वीडियो ही देखा, लेकिन वहां के महामंत्री, जिला महामंत्री का एक ऑडियो भी लीक हुआ है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है दोस्तों, कहानी अब तो शुरू हुई है। मैं आपको बता दूं कि चक्रव्यूह जो मैं बोल रही हूं वो महज ऐसे ही नहीं बोल रही हूं, आप इस ऑडियो में भी सुन पाएंगे कि किस तरीके से दीपक शर्मा, जिला महामंत्री, किस तरीके से दरगाह को, पुलिस को धमकाते हुए कॉल पर नजर आते हैं। ये ऑडियो लीक हुआ है, आपको वो ऑडियो भी सुनाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जाकिर अली त्यागी का ही एक और ट्वीट है जो ऑडियो शेयर करते हुए वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा है, जागरण तो होकर रहेगा, बाद में दरगाह को बीजेपी के जिला महामंत्री दीपक शर्मा धमकाता है कि चाहे बुलडोजर ले आओ। मुल्लों से पुलिस डरती है, हम नहीं जागरण, हम करके दिखाएंगे, पुलिस दम लगा ले। दरोगा ने कहा, दंगा नहीं होने दूंगा, डीजीपी यूपी पुलिस त्वरित इन असामाजिक तत्वों, बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई करे। ये ट्वीट किया गया है, आप स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे होंगे और साथ साथ एक ऑडियो भी शेयर किया है। वो ऑडियो आपको सुनवाएंगे जहां साफ तौर पर दरोगा को महामंत्री धमकाते हैं, बोलते हैं कि आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो, आप क्या मुल्लों से डरते हो? डरते हो तो ठीक है, लेकिन वो सबसे बड़ी बात धमकाते हुए बोलते हैं कि रोक सको तो रोक लो, जागरण तो होगा, चांद रात में ही होगा। ये इस तरीके की धमकी दे रहे हैं दरोगा को। एक नजर इस ऑडियो पर डालिए और सुनिए कि इस ऑडियो में किस तरीके से दरोगा को महामंत्री, बीजेपी महामंत्री धमका रहे हैं। एक नजर इस ऑडियो पर। ये वो एक अलग चीज हो गई, दंगा करा दूंगा क्या? तो आप, आपके कहने पे जागरण नहीं होगा। सुनो मेरी बात सुनो,
इंस्पेक्टर साहब सुनो, मेन रोड पे कतई नहीं। अरे आपके कहने, आपके बस क्यों, तो तुम रोक लेना इंस्पेक्टर साहब, चलो जागरण रोक लूंगा। तुम्हारे बस क्यों, जितनी ताकत हो उतनी लगा लेना और तुम जागरण रोक लेना। 2 तारीख को जाओ है तुम, चलो तुम रोक लेना, चलो हम भी देख लेंगे। तुम जागरण रोक लेना कोतवाल साहब, जाओ लेना तुम, आप रोक लेना, कराओगे आप रोक लेना। रमजान के महीने में, अरे रमजान के महीने में क्या हम अपने देवी जी के जागरण बंद कर देंगे? मुसलमानों के हिसाब से चलेगा क्या देश? क्या सही नहीं होने दूंगा शर्मा जी, आपसे रोका जाए, रोक लेना कोतवाल साहब। मैं कह रहा हूँ आपसे जितना रोका जाए उतना रोक लेना, देवी जी का जागरण है, मुसलमानों के हिसाब से नहीं चलेगा। मिश्रित आबादी में, अरे कोई सी भी आबादी हो, हमेशा होता है, अगर अगर चार हिंदू रह गए तो हिंदुओं की परंपराएं बंद कर दोगे क्या? देश चल रहा है संविधान से, मेन रोड पे कतई नहीं होगा। सुनो, संविधान से परंपरागत प्रोग्राम है, कोई नई परंपरा नहीं है, कोई नई परमिशन नहीं है। हाईवे पे बिल शर्मा जी, हाईवे पे कतई नहीं होने दूंगा। कोतवाल साहब तुम में जितना जोर हो, सुनो मेरी बात, और तुम भी पूरा जोर लगा लेना, जाओ हम भी अपनी औकात देखेंगे शहर के अंदर की, अगर ये जागरण रुक जाओ तो, और बुलडोजर लेके आना, जितने वो 10-20 हिंदू रह रहे हैं ना, वो उन्हें ढा देना। तुम चाहते हो कि इस देश से ब्राह्मण, ये हिंदू निकल जाए यहाँ से, पलायन करा दो इनका, और तुम रोकना। मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं हाईवे पर रमजान, कोतवाल साहब तुम्हारे रमजानों से, मुल्लाओं की मस्जिद से और मुल्लाओं के त्योहार से, ईद से हमारा कार्यक्रम नहीं रुकेगा। और तुमसे रोका जाए तो मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम रोक लेना, जागरण तो होके रहेगा कोतवाल साहब, रुकेगा नहीं। यार तो बात कर रहे हैं बच्चों वाली बात, बच्चा नहीं हूँ मैं, बच्चा ही तो नहीं हूँ। आप अगर धमका कर रोकना चाह रहे हो ना, सुनो तो तुम अब जोर लगाना कोतवाल साहब, जितना तुम में हो। अरे हमने तो रोक ही लिया, चलो रोक लिया ना, अरे हम करके दिखाएंगे तुम्हें, हम करके दिखाएंगे तुम्हें। अरे हम तुम्हें यही जागरण, यही देवी जी का जागरण यही होगा। और अगर उनकी चांद रात से तुम डर रहे हो, तो कोतवाली पुलिस, तुम सिविल लाइन इंस्पेक्टर डरते होंगे मुसलमानों से, हम नहीं डरते मुसलमानों से, हम तो ठोक के सीना ठोक के जागरण करेंगे और देवी जी का पूरी रात गुणगान करेंगे। देखा आपने, ये ऑडियो आपने सुना, वीडियो भी आपने देखा, तो आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि बीजेपी का प्लान आखिरकार ईद को लेकर क्या है और क्या प्लानिंग चल रही है नफरती लोगों की, ईद को खराब करने की, खलल डालने की मेरठ में साजिश रची जा रही है, और इसका अंजाम क्या होगा, आपस में हिंदू मुसलमान का खून बहेगा, गरीब के घर पर बुलडोजर चलेगा, मुसलमान को फिर से जेल में डाला जाएगा, मुसलमान के घर को फिर से उजाड़ा जाएगा, यह पूरी प्लानिंग रची जा रही है। आप इन वीडियोस के माध्यम से और इन धमकी भरे ऑडियो के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। इन वीडियोस को देखने के बाद, मेरठ के जो वीडियोस वायरल हुए हैं, इनको देखने के बाद, ट्वीट्स को देखने के बाद, जानकारी सामने आने के बाद, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, ईद पर क्या हो सकता है, ईद इस बार की शांतिपूर्वक निपटती है या फिर ईद पर भी दंगा भड़क सकता है, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट कर अपनी राय जरूर पेश करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दी कंटाप। धन्यवाद।